एक 15 इयर्स ओल्ड कार को कंप्लीट करने में स्टेयरिंग बॉल जॉइंट टायर डेंट सबके काफी आवाज आ रही है, तो बाहर से कितनी आवाज होगी। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रियली मानिए प्योरली स्मूथ, कोई नॉइज नहीं, एकदम स्ट्रेट गाड़ी जा रही है, आप देख सकते हैं। इसमें भी हम पूरा पैनलिंग पेंट करने वाले फाइबर आइटम्स। आज की डेट में कॉम्प्लिकेशन है सब पार्ट्स अरेंज करना, जो कि हम कर लेते हैं। बट माउंटिंग स्प्रिंग और स्टड किट पूरा न्यू ब्रेक डिस्क इंस्टॉल कर रहे हैं। ओला का शॉकअप है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है। बैरिंग जो ओरिजिनल आता है, बूट ग्रीस लगाकर उसको 1 ईयर वारंटी के साथ कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको जरूर कहूंगा कि काफी मेहनत लगती है एक वीडियो को अपलोड करने में और गाड़ी को रिस्टोरेशन करने में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all. Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. स्वागत है YouTube चैनल पर सूरी मोटर वाशी नवी मुंबई। आज हमारे पास महाड़ से कोरोला, महाड़ महाराष्ट्र से कोरोला गाड़ी आई है, जिसे हम फुल रिस्टोरेशन इंटीरियर एक्सटीरियर टोयोटा का जो हमें प्यार मिल रहा है, इनोवा फॉर्चुनर कोरोला बाकी गाड़ियों का भी काम होता है, लेकिन टोयोटा का जो इंजन है, जिसके लिए इस गाड़ी में भी आप देखेंगे जो इसका इंजन है एकदम सॉलिड है, विद इन हाफ सेल्फ स्टार्ट है, बट इसका सस्पेंशन में काफी काम है। जो हम इसमें फ्रंट बोथ राइट लेफ्ट शॉक ऑब्स लोअर आर्म टायर एंड स्टेयरिंग बॉल जॉइंट सस्पेंशन का जो भी काम है हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसे डेंटिंग वर्क में लेके जाएंगे। पूरा आप डेंट वर्क भी देख सकते हैं किस तरह से इसमें डेंट है और कैसे स्ट्रेंथनेस जिसे कहते हैं वो नहीं है। हम इसे देखेंगे रिप्लेस करें या इसे ही हम इसको कर पाएं, वो आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे।
प्लस डेंट्स भी आप देख सकते हैं, कलर भी फेड हो चुका है गाड़ी का, डोर में भी नॉइज़ है थोड़ी, और रियर फेंडर डेंट है। फ्रंट बम्पर इसमें हमें चेंज करना है, रियर बम्पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। रियर राइट टेल लाइट जो हम चेंज करने वाले हैं। गाड़ी में काफ़ी डेंट है और पेंट जो है काफ़ी फेड हो चुका है, लेकिन इंटीरियर गाड़ी का आप फ्रंट साइड से देखिए, इंटीरियर डैशबोर्ड काफ़ी वैसे क्लीन है। इसमें भी हम पूरा पैनलिंग पेंट करने वाले हैं, फाइबर आइटम्स प्लस डैशबोर्ड रैप, डोर पैडिंग, स्टेयरिंग रैप, गियर नॉब, ईच एंड एवरी थिंग, जो छोटी छोटी चीज़ है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। और इसका एंड रिजल्ट, मैं आपको एंड रिजल्ट किस तरह से आता है, और हमारे वीडियो में बने रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नए से नई चीज़, नई गाड़ी, ओल्ड गाड़ी हमारे पास आप देख रहे हैं कि नए कार एसेसरीज का भी काम होता है और ओल्ड कार्स का भी काम होता है। जिसे भी रेस्टोरेशन करना है प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, थैंक यू। अब हम ट्रायल पे हैं करोला, जो हमारे पास फुल रेस्टोरेशन, डेंटिंग, पेंटिंग प्लस मैकेनिकल जॉब, क्योंकि हमारे पास आप मैकेनिकल जॉब भी आप देख सकते हैं, आपको अगर साउंड आ रहा होगा, पूरा शॉक ऑब्स, लोअर आर्म, स्टीयरिंग बॉल जॉइंट, टायर डेंट सबके आवाज़ आ रहे हैं राइट साइड से। ये हमें कंप्लीट मैकेनिकल जॉब भी करना है, जो हम आगे की वीडियो में आपको मैकेनिकल जॉब के बारे में बताएंगे। सस्पेंशन का काफ़ी काम है, जैसा अगर आपको साउंड, पूरा साउंड वॉबल हो रही है गाड़ी और साउंड भी काफ़ी आ रहा है राइट साइड से, कुछ खासकर ज़्यादा आ रहा है। ये तो हमने ग्लास क्लोज किया हुआ है, तो भी काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो बाहर से कितनी आवाज़ होगी, भी काफ़ी कम लग रहा है। ब्रेक डिस्क और ब्रेक पैड्स भी चेक करने, आप देख सकते हैं डेंटिंग पेंटिंग का प्रोजेक्ट था, जिसमें हमने पहले सस्पेंशन ओपन किया, तो लोअर आर्म पूरी तरह से इसका बेंड भी है, प्लस इसके बुशेस भी कट गए हैं, और ये माउंटिंग जो शॉकअप्स का माउंट आता है, ये हमने मॉनरो के फ्रंट शॉकअप्स इंस्टॉल कर चुके हैं। इसमें आप माउंटिंग देख सकते हैं, बट माउंटिंग स्प्रिंग और स्टड किट ये असेंबल कर दिया है, ये विदाउट स्प्रिंग आता है, इसे हमें असेंबल करना पड़ता है। प्लस ब्रेक डिस्क भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी तरह से कट हो गया था, लेथ में भी अगर जाता तो परफेक्ट, हमने कस्टमर का एडवाइस लेकर इसे पूरा चेंज करने का ही उन्हें सजेस्ट किया, तो कस्टमर एग्री हो गए, तो हमने ये पूरा न्यू ब्रेक डिस्क इंस्टॉल कर रहे हैं, ताकि ब्रेक भी एक, अगर ब्रेक डिस्क इंस्टॉल पुराना होता और ब्रेक पैड नया होता तो ब्रेक पैड की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है। अब ब्रेक डिस्क भी नया है और ब्रेक पैड भी नया होगा, तो इससे इसकी लाइफ और परफॉर्मेंस में भी काफ़ी फर्क आएगा। प्लस स्टेबिलाइजर, सस्पेंशन में जब भी कुछ खराब होता है सबसे पहला चीज़ है ये स्टेबिलाइजर लिंक, सबसे पहला प्रोडक्ट है जो खराब होता है, इसे रेगुलर इंटरवल में चेंज करेंगे तो काफ़ी लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप उसे वैसे ही कैरी ऑन करते हैं तो एक सस्पेंशन में जल्दी खराब होने का देखा होगा, हमारे पास मैकेनिकल पार्ट्स भी अवेलेबल मिल जाता है। अभी जैसे करोला का शॉकअप है,
थोड़ा मुश्किल से मिलता है और प्लस कॉस्ट भी नए का हाई हो जाता है, लेकिन ये हमारे पास जिसको 1 ईयर वारंटी के साथ हम इसका अंदर का बैरिंग जो ओरिजिनल आता है बूट ग्रीस लगाकर उसको 1 ईयर वारंटी के साथ कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वन आपको न्यू एक्सेल में आपको वारंटी नहीं आएगा, प्लस ये चलने में भी हम गारंटी देते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आप देख सकते हैं, सबसे पहले लोअर आर्म जो इंस्टॉल होता है, ये हमने ब्रांड न्यू करोला का सुशी ब्रांड का जो एक वारंटी का विद एमआरपी आता है, विद बिल आता है, काफी बेस्ट क्वालिटी ऑफ सस्पेंशन पार्ट्स है जो सब गाड़ी का हमारे पास रेडी मिलेगा। स्टेबलाइजर लिंक जो मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले ये प्रोडक्ट खराब होता है, तो ये भी हमने इंस्टॉल कर लिया। आगे हम शॉक ऑफ वगैरह सब कंप्लीट करके इंस्टॉल करके आगे इसका डेंटिंग का प्रोसेस चालू करेंगे। अस्तर मारा जा रहा है अभी, ये अस्तर जो है थोड़ा बहुत पॉइंट, ये जैसे ये चीरा दिख रहा है, ये अस्तर मारने पे ये दिखता है, फिर इस पर चेक लामी का काम होएगा, इसीलिए पूरी गाड़ी में अस्तर मारा जाता है। का इंटीरियर के लिए अपडेट है, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड रैपिंग किस बेहतरीन फिनिशिंग के साथ किया गया है, क्वालिटी ऑफ वर्क जो हम हमेशा आपको बताते हैं किस तरह से हम फिनिशिंग करते हैं, प्लस डोर पैडिंग का भी देख सकते हैं, अपर पार्ट ऑफ द डोर पैड आप देख सकते हैं हमने कॉफी कलर में लिया गया, जो कि इंटीरियर सीट कवर प्लस डैशबोर्ड को मैच करके, प्लस आइस ग्रे, फुल आइस ग्रे लिया है, प्लस कॉफी की स्टिचिंग दी गई है। अब हम इसे फिटिंग करके किस तरह से सीट कवर ऑल फाइबर PCD पिलर्स रैप कर टॉप भी हम इसमें कर रहे हैं करोला में, किस तरह से करते हैं आगे के वीडियो में आप देखिए।
तो करोला गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि पहले वीडियो में देखा था आपने, सस्पेंशन का काम काफी था और वीडियो में भी आपको बताया गया कि हमने क्या क्या पार्ट्स चेंज किए हैं। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, रियली मानिए प्योरली स्मूथ, कोई नॉइज नहीं, एकदम स्ट्रेट गाड़ी जा रही है। आप देख सकते हैं वेल सस्पेंशन वर्क हुआ है, जो कि काफी ध्यान से हमने किया गया है। एक एक चीज जो जरूरी होती है हमने वो डाली है, जिसके कारण कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है और पहले से काफी स्मूथ हो चुकी है। काफी मतलब काफी ज्यादा, पहले तो काफी इसके एक्सल, शॉकअप्स, स्टेयरिंग बॉल जॉइंट, स्टेबिलाइजर लिंक, हर एक पार्ट सस्पेंशन का गया हुआ था, जो कि हमने रिप्लेस करके प्रॉपरली ग्रीसिंग करके उसे फिट किया गया है। इवन स्टड किट्स, माउंटिंग, ईच एंड एवरीथिंग हमने, जैसा आपने वीडियो में देखा, और वाकई चलाने में इतना मजा आ रहा है जैसे कि एक न्यू ब्रांड न्यू कंडीशन से हम गाड़ी लेकर जाते हैं, वो हिसाब का फील आ रहा है। हमने ब्रेक डिस्क, ब्रेक पैड्स बोथ हमने चेंज किए। फ्रेंड्स, 2007 टोयोटा करोला जो हमारे पास आई थी एक रिस्टोरेशन वर्क के लिए, एक इंटीरियर वर्क के लिए और एक मैकेनिकल वर्क के लिए, जो कि तीनों काम फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं। आइए हम आपको गाड़ी के पास लेकर जाते हैं। एक 15 इयर्स ओल्ड कार को कंप्लीट करने में, जो कि हमारा आउटर रिस्टोरेशन वर्क भी था, जिसमें हमें बम्पर, फेंडर, फेंडर लाइनिंग, गार्नेस पट्टी, रबर आइटम्स, ईच एंड एवरी चीज चेंज करनी थी, जो कि एक आज की डेट में कॉम्प्लिकेशन है। सब पार्ट्स अरेंज करना, जो कि हम कर लेते हैं। पार्ट्स आने के बाद भी हमें उसे प्रॉपरली अलाइन करके, उसे फिटिंग करके, प्रॉपरली डेंटिंग वर्क करके, उसे पेंट वर्क तक लगाना होता है, प्लस उसका इंटीरियर जॉब, उसके रबर पार्ट्स, उसके फाइबर आइटम्स, मानिए एक फुल गाड़ी को रिस्टोर करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी जज्बा लगता है, और एक दिल से काम करेंगे तो ही वो आपको रिजल्ट आ पाता है। आइए देखते हैं करोला कैसी लग रही है। कार के फ्रंट व्यू में आते हैं, आप देख सकते हैं कार के बोनेट बम्पर का अलाइनमेंट किस परफेक्टनेस से आया हुआ है, जिसमें हमने बोथ हेडलाइट इंस्टॉल किए है, फ्रंट बम्पर इंस्टॉल किए है, बोथ राइट लेफ्ट फॉग लैंप इंस्टॉल किए है। आपने देखा होगा फ्रंट बम्पर किस तरह से डैमेज हो चुका था, और जो बोनेट है वो अलाइनमेंट आउट हो चुकी थी, किस तरह से हमने इसे अलाइनमेंट में लाया है। और प्लस मैं फिर से कहना चाहूँगा, पर्ल वाइट मैजिक पेंट, आप पेंट का ग्लॉस, पेंट की फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह से आई गई। फ्रंट लेफ्ट फेंडर, फ्रंट राइट फेंडर, जो स्ट्रेंथनेस चली गई थी, आप देख सकते हैं अब किस तरह से स्टिफनेस आ चुका है। मैकव्हील भी हमने इसे सिल्वर में फिनिश किया गया है, सेट ऑफ 4 मैकव्हील जो आते हैं गाड़ी में। रूफ टॉप को भी हमने काफ़ी फिनिशिंग किया हुआ है, जो कि काफ़ी डेंट था, आप रूफ टॉप की भी फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह से बेहतरीन फिनिशिंग आई है। प्लस मेन चीज़, जो ये लाइन, जो धारी जिसे कहते हैं, देखिए किस तरह से ये एक ओल्ड कार में फिनिशिंग लाना लाइन टू लाइन, जिसके कारण आपका पेंट का ग्लॉस, हर एक जो आउटर लुक है वो लाइन और डेंटिंग वर्क के ऊपर है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पेंट तो आप महंगे से महंगा यूज़ कर लीजिए, लेकिन डेंटिंग वर्क अगर आपका परफेक्टनेस में नहीं होगा तो पेंट की जो क्वालिटी है वो उतनी उठ के नहीं आएगी, जो कि आप देख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बैक साइड में आते हैं, जो कि बम्पर रियर काफ़ी डैमेज हो चुका था, आप देख सकते हैं बम्पर की फिटिंग की अभी फिनिशिंग, प्लस बोथ साइड की टेल लाइट भी इंस्टॉल की गई है, प्लस आप डिक्की का भी अलाइनमेंट, डिक्की का भी परफेक्टनेस देख सकते हैं, साइड से भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं जो मैंने लाइन के बारे में बताया था। यस फ्रेंड्स, अब हम इंटीरियर से चालू करेंगे, जो कि हमने टू टोन में गए हैं, क्योंकि गाड़ी का एक्सटीरियर पर्ल वाइट में था, हम लोग ने इंटीरियर में आइस ग्रे प्लस कॉफ़ी ब्राउन सिलेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं डोर पैडिंग की फिनिशिंग, ये अपर पार्ट जो हमने कॉफ़ी ब्राउन में लिया है, सेम कैरी फॉरवर्ड करके हमने इसे डैशबोर्ड में भी, आप देख सकते हैं फिनिशिंग ऑफ डैशबोर्ड, प्लस बोथ साइड पिलर कॉफ़ी में किया गया है, प्लस इसे एसी ग्रिल को हमने आइस ग्रे में रखा है, इंटीरियर मीटर का भी हमने आइस ग्रे में रखा है, प्लस एंड्रॉयड का हमने जो फ्रेम है उसे कॉफ़ी में किया गया है, जो कि एक पियानो ब्लैक में हमने कॉफ़ी इंग्रेडिएंट डालकर लिटिल बिट कॉफ़ी उसमें लिया गया है, प्लस स्टेयरिंग रैप ब्राउन और आइस ग्रे में किया गया है। अब हम इंटीरियर हाइड्रो डिपिंग पार्ट्स पर आते हैं, जो कि हमने पावर विंडो स्विच का जो पैनल आता है फोर डोर का, इसे हमने कॉफ़ी ब्राउन इंग्रेडिएंट डालकर, जो कि ब्लैक पियानो में डालकर लिटिल बिट कॉफ़ी ब्राउन किया गया है, जो कि मैंने बताया एसी ग्रिल प्लस कंसोल पैनल और गियर बूट भी आप देख सकते हैं, जो कि एक ऑटोमेटिक गियर को हमने रिमूव करके उसे गियर नॉब को किस तरह से फिनिशिंग में हमने किया है। फाइबर आइटम्स कार में हमने आइस ग्रे में पेंट किया गया, ऑल फाइबर आइटम्स, जो कि एक 70-80 पार्ट्स आते हैं। सीट कवर की भी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, जो कि हैवी पैडिंग में हमने कंपोजिट लेदर में सीट कवर इंस्टॉल किया गया है। आप इसका फिनिशिंग आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बर्फी पैटर्न में इसे
और जो स्टिचिंग है वो हमने आइस ग्रे में ली गई है, प्लस आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट भी हमने किस कॉफी में ही उसे आर्मरेस्ट का भी किया गया। अब हम टॉप पर आते हैं, टॉप में भी हमने ब्लैक और लिटिल बिट कॉफी में इसे टॉप में ब्लैक किया गया, जो कि पहले कंपनी से आइस ग्रे में आता है, जो कि इंटीरियर के हिसाब से हमने ब्लैक सिलेक्ट किया। अब हम रिस्टोरेशन का वीडियो एंड करने वाले हैं। एंड करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को अपलोड करने में और गाड़ी को रिस्टोरेशन करने में। ये सब हम करते हैं हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए, जो इसके लिए मैं कहूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो स्कॉर्पियो S11 पर आने वाला है, जो आपके होश उड़ा देगा, जो इंटीरियर वर्क और जो पेंटिंग वर्क और जो आउटपुट, जो फिनिशिंग वर्क, जो कि एक महिंद्रा एंड महिंद्रा का ऑल पार्ट्स में वीडियो बनाया गया है, ऑल जेन्युइन पार्ट्स इंस्टॉल किए गए। तो ज़रूर बने रहिए और आगे के वीडियो के लिए वेट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।